प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, बात करते हैं मिथुन राशि फल 2020 के बारे में कि 2020 में मिथुन राशि वालों के लिए 2020 कैसा रहेगा। साल के शुरुआत में आपकी सितारों की चाल यह कहती है कि साल आपके लिए सौगात से भरा तो रहेगा, साथ में आपको चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा और इस चुनौतियों से पार पाने के बाद ही आपको विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। इस वार्षिक राशिफल में हम आपके करियर, व्यवसाय, आर्थिक जीवन, फैमिली, लव लाइफ तथा सेहत के बारे में विस्तार से थोड़ा जानेंगे। भविष्य 2020 की मदद से आप न केवल अवसरों को भुना पाने में सफल होंगे बल्कि चुनौतियों और बाधाओं से निपटने के लिए दिए गए उपाय भी अपना हर काम आपकी जो सफलता है उसमें निर्बाध गति से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करियर के बारे में जानते हैं। इस वर्ष आपका करियर सामान्य गति से चलता रहेगा लेकिन अपनी मेहनत के बल पर आप अपने करियर की गति को सामान्य से तीव्र कर सकते हैं। ग्रहों की स्थिति पर नज़र डालें तो इस वर्ष जनवरी में शनि ग्रह आपके अष्टम भाव में रहेगा, लिहाज इस दौरान आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। गुरु ग्रह बृहस्पति का सातवें भाव में गोचर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में अच्छे परिणाम दिलाएगा। जुलाई से मध्य नवंबर तक परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होंगी। जनवरी से मार्च तक, नवंबर मध्य से दिसंबर तक समय अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस वर्ष आप किसी नए वेंचर स्टार्ट अब से शुरू ध्यान रहे। मुश्किल समय अनुभवी लोगों की सलाह से आपको आपका बेड़ा पार होगा। अप्रैल, मई, जून के समय थोड़ा सावधान रहे। करियर में सफलता का मंत्र आपके लिए यही है कि आपको अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर करना होगा। आर्थिक जीवन की बात करें तो व्यक्ति की आम जरूरतों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। वर्ष 2020 यह कहता है कि आप इस वर्ष आपको धन के मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। दरअसल धन का कारक ग्रह बृहस्पति अप्रैल से जुलाई के मध्य आपके अष्टम भाव में स्थित होगा जिसके कारण कुछ आर्थिक निर्णयों में आपको हानि उठानी पड़ सकती है। साल की शुरुआत जीवन के लिए बेहतर रहेगी। मार्च तक का समय आपके लिए आर्थिक रूप से बेहद शानदार रहेगा, अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं। वहीं मई में आपको अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ दिसंबर में धन के मामलों में अच्छा रहेगा। सितंबर अंत से राहु का गोचर वृषभ राशि के होने से आपके खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि होगी जिसके कारण आपको कुछ फाइनेंशियल समस्याओं को जूझना पड़ सकता है। लिहाज इस बात को ध्यान में रखकर खर्चा करें, आर्थिक प्रबंधन पर बल दें, फिजूल के खर्चों पर लगाम लगाएं। इस वर्ष शेयर मार्केट से दूरी बनाए रखें क्योंकि इससे आपको हानि उठानी पड़ सकती है। अगले उनके पारिवारिक जीवन के बारे में जाने तो इस वर्ष आपका पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा। वर्ष की शुरुआत में आपका पारिवारिक जीवन में खुशियाँ आएंगी। घर में परिजनों के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा, सफलता मिलेगी। अप्रैल से जुलाई के मध्य बृहस्पति का गोचर आपके अष्टम भाव में रहेगा जहाँ पर पहले ही शनि महाराज स्थित हैं। इस कारण एक तरफ तो परिवार में शांति बनेगी लेकिन दूसरी तरफ धन को लेकर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। जुलाई तक परिवार माहौल काफ़ी अच्छा रहेगा लेकिन जुलाई के बाद परिवार में तनाव क्लेश पैदा हो सकता है। अप्रैल, अगस्त, नवंबर महीने के दौरान अपने माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस वर्ष सितंबर माह में आप नया घर खरीद सकते हैं अथवा अपने पुराने घर में नव निर्माण करा सकते हैं। मध्य मार्च से मई के बीच आप अचानक से किसी प्रकार की अचल संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन के बारे में बात करें एवं संतान सुख के बारे में तो 2020 में मिथुन राशि का वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा। आपको मैरिड लाइफ में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा क्योंकि वर्ष के आरंभ में आपके सप्तम भाव में पांच ग्रहों की युति वैवाहिक जीवन में कष्ट और परेशानियों को पैदा कर सकती है। जीवन साथी की सेहत गिर सकती है। वहीं अप्रैल से जुलाई और उसके बाद नवंबर से दिसंबर अंत तक का समय भी ठीक नहीं है, लिहाज आपको जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। जुलाई से नवंबर तक का समय कुछ हद तक अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपको जीवनसाथी के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करना होगा। यदि आपका जीवनसाथी कार्यरत है तो अगस्त से अक्टूबर के महीने में विशेष लाभ प्राप्त हो सकते हैं। यदि आपके संतान की बात करें तो वर्ष की शुरुआत संतान के बेहद अनुकूल है। ये अपने क्षेत्रों में अत्यधिक रुचि विकसित करेंगे जिससे शिक्षा के क्षेत्र में अपारता से सफलता प्राप्त कर पाएंगे लेकिन अप्रैल से जुलाई तक का समय संतान के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है, लिहाजा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। सितंबर के बाद उनके लिए बेहतरीन समय प्रारंभ हो जाएगा। प्रेम जीवन की बात करें
तो इस वर्ष प्रेम जीवन ताजा कली के समान खिलता दिखाई देगा। प्रियतम के साथ आप आनंद लेंगे, मिलेंगे, कई अवसर आएंगे। हालांकि इस दौरान आपको बस एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपको मर्यादित रहकर प्रेम की गंगा में डुबकी लगानी होगी, अन्यथा आप दोनों के दामन पर बदनामी का दाग लग सकता है। जनवरी से मई के मध्य समय आपके जीवन के लिए बेहद अनुकूल है। इस दौरान प्यार में मधुरता का स्वाद घुलेगा, प्यार का रिश्ता और भी मजबूत बनेगा। अक्टूबर से नवंबर के मध्य आप प्यार के लिए समय निकालेंगे, सब कुछ कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ समय निकलेगा। प्रीतम से शादी के बारे में सोच रहे हैं तो अगस्त और दिसंबर का महीना शुभ है। रिश्ते में प्यार और विश्वास की दौर मजबूत होगी, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। अगर उनके स्वास्थ्य की बात करें तो राशि बल 2020 के अनुसार मिथुन राशि के जातकों को इस वर्ष अपनी सेहत को लेकर सचेत रहने की आवश्यकता है। वर्ष की शुरुआत में आपकी सेहत तंदुरुस्त रहेगी, लेकिन अप्रैल और जुलाई से सेहत बिगड़ सकती है। शनि के प्रभाव से आपको सारे कष्ट होने की संभावना है। इसके अलावा शनि के प्रभाव से ही आपके पिताजी की सेहत में बिगड़ सकती है। आपको बासी गरिष्ठ और असंतुलित भोजन नहीं करना चाहिए। कार्य अधिक करने से आपको शारीरिक थकान महसूस होगी। इसके अलावा इस वर्ष आपके घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, गठिया आपस बदहजमी जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। जुलाई के बाद से मध्य नवंबर तक का समय आपकी सेहत के लिए अनुकूल रहेगा। मौसम परिवर्तन के समय स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खुद को फिट रखने के लिए नशीले पदार्थों का सेवन न करें। शाकाहारी भोजन को अत्यधिक प्राथमिकता दें। आलस्य को त्याग कर शारीरिक योग व्यायाम करें। इससे आप शारीरिक रूप से सेहतमंद रहेंगे, साथ ही मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। अगले उनकी शिक्षा की बात करें तो मिथुन राशि के छात्रों के लिए यह वर्ष सामान्य रहेगा। अध्ययन में सफलता पाने के लिए आपको अपने ओर से प्रयास जारी रखने होंगे। यदि आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता चाहते हैं तो आपको निरंतर कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी। जो लोग प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं उनके लिए वर्ष काफ़ी बेहतर रहेगा। वर्ष की शुरुआत छात्रों के लिए बेहतर रहेगी। मार्च के बाद आपको अनेकों चुनौतियों से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन नवंबर से दिसंबर तक का समय काफ़ी अच्छा रहेगा। पाठ्यक्रम की पुस्तकों के साथ साथ अच्छे लेखों की किताबें भी आपको पढ़ने को मिलेगी। उनकी जीवनियों में झांकने का मौका मिलेगा। इसके अलावा बात करें तो आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। माँ सरस्वती, उनकी कहने का मतलब आप पूजा पाठ करें, ध्यान लगाएं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा उपायों के बारे में बात करें तो धार्मिक स्थल की साफ सफाई करें, पूजा पाठ करें, पीपल वृक्ष की पूजा करें, दान पुण्य का कार्य करें, अनेक आपके उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। सब कुछ मिथुन राशि के लिए मंगल ही मंगल है। इसके अलावा जीवन से जुड़ी और परेशानी जैसे विवाह को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी में तरक्की को लेकर, भाग्योदय को लेकर, रतन रंग अंक को लेकर, कुंडली विश्लेषण, ग्रह क्लेश से मुक्ति, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप डिस्प्ले पर स्वामी जी का नंबर देख रहे हैं, आप सीधे भी उनसे बातचीत करके अपनी समस्याओं का समाधान उनसे करवा सकते हैं। तो उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।